नमस्कार, भारत 24 देख रहे हैं आप। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। खबरों में मैं हूं आप सबके साथ में साक्षी मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ में। यूपी के नोएडा में लगी भीषण आग और सेक्टर 32 की घटना बताई जा रही है। सेक्टर 32 के डंपिंग ग्राउंड में आग लगने की खबर सामने आ रही है। दमकल की 4 गाड़ियों ने आग पर फिलहाल काबू पा लिया है। कूड़े के ढेर में बताया जा रहा है कि ये आग लगी है। तो यूपी के नोएडा की एक खबर जहां पर भीषण आग लग गई। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर, सेक्टर 32 की ये तस्वीरें बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि डंपिंग ग्राउंड और डंपिंग ग्राउंड में आग लग गई। हालांकि देखिए, आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चला है, कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाए हैं, लेकिन देखते ही देखते इस आग ने विकराल रूप ले लिया। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। फिलहाल 4 दमकल की गाड़ियों ने किसी तरह कड़ी मुशक्कत के बाद में पानी की बौछार करके इस आग पर काबू पाया। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये आग देखते ही देखते विकराल हो। 32 ए में एक खाली एरिया पड़ा है, एक डंपिंग ग्राउंड है जिसमें कई सारी सूखी पत्तियां पड़ी हुई थी। उनमें ही पत्तियों में ही आग लगी है और आग ऑलमोस्ट बुझाई जा चुकी है। हमारी 4 गाड़ियाँ यहाँ मौजूद हैं, CFO साहब मौजूद हैं, SHO मौजूद हैं और करीब करीब आग पूरी तरह बुझाई जा चुकी है। जो थोड़ी सी आग बची है वो भी जल्दी बुझा दी जाएगी।